आज की हमारी रेसिपी है चिकन दम बिरयानी। चिकन दम बिरयानी एक लाजवाब रेसिपी बनने वाली है जो बहुत ही टेस्टी होगी और बनाने में उतनी ही आसान। ये रेसिपी आप किसी भी फंक्शन में या किसी भी फेस्टिवल पे आप बना सकते हैं, बिल्कुल कम टाइम में आसानी बना सकते हैं आप। चिकन दम बिरयानी कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कैसे ये चिकन दम बिरयानी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। हमने एक ही चिकन लिया है विद बोन, तो उसमें हम ऐड करेंगे 1 TSF सॉल्ट। एक टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और करेंगे हम इसमें ऐड 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। जो मरतवांगन चमच त्रावो अत सी, बे त्रावो अख नून चमच सी, बे त्रावो अख लेदर चमच अत सी, तो तम से करो कम अत मेरीनेट करें कहीं, तो मेरीनेशन खुद सारी मसाल त्रावन सत नून चमच अख चमच मरतवांगन पाउडर अख चमच लेदर पाउडर, बे त्रावो कोरिएंडर पाउडर जो चमच अत सी, दानि वेल पाउडर त्रावो सी, बे त्रावो जीरा पाउडर अख चमच अत सी, तो बे त्रावो अदरक लहसुन पेस्ट बनो, अगर नहीं पेस्ट आज कहीं तो हूँ तुम चॉप कर नुक नुक अगर सी त्रे, तो यह कौर मेरीनेट जरूरी कर, चिकन को मेरीनेट करना जरूरी है, इसलिए हम इसको दही भी डालेंगे करीबन 100 ml या एक कटोरी छोटी डालेंगे इसमें साथ, ताकि ये मेरीनेट इसकी आसानी हो जाए। तो लास्ट पर त्रावो अत बिरयानी मसाल, अगर ना बिरयानी मसाल अवेलेबल आज गरम तुम गरम मसाल एड कर तम सी बनी बड़ बेहतरीन। अस बिरयानी मसाल अवेलेबल, अस तुल बिरयानी मसाल तकरीबन 2 चमच त्रेश बिरयानी मसाल सी, तो वह कर मिक्स प्रॉपरली, तो ये शेप में अन कल मिक्स असल पे गई कल प्यारुन अत कल ये शेप में ये, तो यु थोड़ा मिक्स गई अत बन पेस्ट यु थो अव ढकन पे थो तकरीबन कम से कम 2 घंटे थो इसे फ्रिजस मन या साइडस कुछ कल मेरीनेट पूर पे गए। और चिकन को जूसी बनाने के लिए इसको मेरीनेशन टाइम कम से कम 2 घंटे इसको रखना पड़ेगा हमें। अस तुम मीन वाइल बासमत राइस नमुच अस, हमने अच्छी कंपनी का बासमत राइस लिया है, उसको हम वॉश करेंगे 3 to 4 times, हमने 3-4 बार इसको धोया है। अच्छा बासमती राइस बासमत तोमुल छलन है 3-4 लट साफ पे अच्छा, मगर पूर पे रिग्रसली रिग्रसली छलन है, ताकि फिटी फिटी नोजुक आसान ये बासमत राइस आराम सान छलन है विद लाइट हैंड्स, तमें पत कर आब एड थोन यह थोन तकरीबन 2.5 घंटे थोन अथ मज तोमुल थोन अथ मे बासमती राइस थोन अथ फिलहाल थोन साइडस अस सोक करेंगे प्री सोक करेंगे इसको आधे घंटे के लिए। तो मीन वाइल हम लेंगे एक पैन, पैन में करेंगे हम ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून जो बड़े चम्मच है उसमें 4 चम्मच हम तेल लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, तो हम करेंगे प्रोसेस स्टार्ट। अत त्रो तेज पत अख मज बे त्रो छोटी इलाची 3 डालेंगे साथ कुछ लौंग डालेंगे, अस त्रो दालचीन टुकड़ अगर त्रो सत त्रो गंड सत बे त्रो अत नीचल त्रा गोड सी बीस गंड त्रा, तो गंड कर ब्राउन जो प्याज मैंने डाला इसको हमें ब्राउन करना है, तब तक भुनना है जब तक ये पूरा ब्राउन ना हो जाए। इस तलन तीस कल फुल फ्लेम पे तरह इस कल से पूर पे ब्राउन गो लाइट ब्राउन नहीं चलेगा, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा उस टाइम हम इसको फ्लेम जो है कम करेंगे, मीडियम करेंगे या स्लो रखेंगे, जब तक इसको हम प्रॉपर हम इसको ब्लैक तक ले जाएंगे, हम ब्राउन अच्छा ब्राउन करेंगे इसको जो हम बिरयानी में यूज हुआ। तो ब्राउन करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा है करीबन 2 घंटे तक हमने इसको मैरिनेट करा मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के बाद हमने इसको इसमें ऐड करना है। चिकन को हमें पकाना है इसी में इसी तेल में, इस मसाला तो थोड़ा त्रो आब खतरनाक सी तक, तो ये करो साफ अस त्रो अथ मे अत चिकन मे त्रो इस, तो अच्छे करन कोकर वन चिकन हमें तकरीबन इसमें कुक करना है, इसी तेल में करना है कुक तकरीबन आधा घंटा या कितना टाइम लगेगा उसको, आधा घंटा 35 मिनट 25 मिनट जो भी आपका कुकिंग टाइम होगा उस टाइम, ये देखना पड़ेगा आपका गैस गैस की फ्लेम भी कैसी है और टाइम भी कितना आपको लगना है। तो हम इसको पहले फुल फ्लेम पर रखेंगे, एक बॉयल आने के बाद इसको हम मीडियम टू लो रखेंगे फ्लेम, ढक्कन रखेंगे बंद, उसको हम छोड़ेंगे कुक होने के लिए तकरीबन 25 to 30 मिनट। अस तुम ब्या बाना अत मो आब आबस मे त्रो तेज पत लौंग, बे त्रो छोटी इलाची बड़ी इलाची दालचीनी, बे त्रो रोंग, तो बे त्रो अत ऑप्शनल नमुत दानि वल सॉरी अमुच अत मेथ पाउडर जो ड्राई मेथी है सूखी मेथी है वो हमने 1 चम्मच लिया है, इसको उबालना है करीबन 5 मिनट उबालना है इसको, उबालने के बाद करो ये ड्रेन अत मसाला, ये मसाला सब बाहर निकालेंगे हम इसमें, उसके बाद इसमें हम राइस को ऐड करना है। पहले मसाला बाहर निकालेंगे इसमें, क्योंकि जो मसाले के फ्लेवर से वो पानी में चले गए होंगे और पानी में फ्लेवर जाने का मतलब है कि बासमत राइस में भी फ्लेवर जाएंगे। एक मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है, आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो ये हम इसमें राइस डालेंगे अच्छे से बॉयल खालना बासमत राइस उतरो, इसको हमें पकाना है तकरीबन जब तक 70% हमारा बासमत जो है कुक ना हो जाए। 1 चम्मच हम घी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा बासमत खिला खिला अलग अलग हो जाए, चिपके बिल्कुल ना, तो इस बासमत सह गिपकिन क्या अक्स सत तमें तरह अस गव चमच सत तुम तील अख चमच त्रे सत कहें परवा चुन, तो बेच अत कर लेमन जूस अखर लेमन जूस ऐड अत ताकि तम सिपकन बिल्कुल कहीं बी फ्लेवर त असल अगर आपके पास लेमन जूस नहीं होगा तो आप इसको सिरका 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इसको पकाना है तब तक जब तक कि 70% कुक ना हो जाए। तो 70% का मतलब है कि तकरीबन इसको जो है आपको देखें इसे लंबे लंबे दाने बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो 70% कुक करना है, बाकी को इसमें हम उसी में करेंगे, चिकन में करेंगे। तो 70% कुक हो गया है, फिलहाल उसको रखेंगे साइड में, हम तैयारी करेंगे अब जो फाइनल स्टेज इसका है। चिकन हमारा तैयार हो गया, इसको जो ऑयल है वो सरफेस पर आया है, तेल खुतमत थोड़ा पेटकुन, तो अमे मतलब गोच चिकन चुकमुत बिल्कुल तैयार, चिकन सॉफ्ट गुमत नरम गुमत बेच गुमत मसाल चिप असल पे बुनियाम। तो वहीं करो आते बासमती राइस ऐड पेट लेयर टू लेयर, थोड़ा तरी बाहर निकालेंगे इसमें, रोगन जो ऊपर से है तेल वाला ये थोड़ा बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब इसमें लेयर उसमें ऐड करेंगे बासमती में। इसको एक कटोरी लेंगे और कटोरी में थोड़ी बहुत जो ये रस कड़ो थोड़ा नबर पेटी पेटी मत, ये रस तिलदार रस ये कड़ो नबर तरी ये करो पत ऐड बासमती राइस टू लेयर बनाओ तुम त्रो मज मत, ताकि सी बिरयानी बन खूबसूरत बे बन कलरफुल। एक कटोरी बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस, हम बनाएंगे 2-3 लेयर्स इसकी बासमती राइस की। इस टाइम पे गैस को रखना है लो जब तक इसको बासमती को हम ऐड इसमें करेंगे। तो एक लेयर बनाने के बाद जो अभी हमने रोगन निकाला इसमें से बाहर, जो रस कुड़ाई जो तरी हमने बाहर निकाली है वो इसमें आधा ऐड करेंगे हम, आधा हम लास्ट में ऐड करेंगे ऊपर से। तो ये हमने कटोरी में थोड़ा बहुत घी लिया है, घी भी डालना है साथ में, ताकि हमारी जो बासमती है जो बिरयानी बने हमारी वो बिल्कुल खिली खिली हो जाए, अलग अलग हो जाए, चिपके बिल्कुल ना। और जो हमने ये रोगन लिया था इसमें निकाल के थोड़ा तरी निकाली थी, तो ये को थोड़ा ऐड नेस्प करो, ऐड नेस्प करो इस लास्ट पर ऐड फाइनल स्टेज पर, यूथ बासमत कम्प्लीट उसमें त्राव। हम बनाएंगे एक और लेयर इसकी, फाइनल लेयर बनाएंगे हम बासमती की, सारा हम जो है जो बासमती रहे कड़ो सॉरी नबर आब मज तो ये त्रो अथ मज सॉरी अत चिकनस पे। तो फाइनल लेयर बनाने के बाद हम उसमें जो बच गया हमारा ये जो रोगन हमारा बच गया है उस रस बचामुत कड़मुत चिकनस में नबर सो लास्ट से पेट कर, तो तमें गए डेकोरेट असल तो बे गए कलर ते असल। तो बे कम अस त्रोम जाफरान गोड़े कोंग से त्रोम गोड़े अस थ्रोम कोंग 5 पत्र त्रम गोड़े अस आबस मन तथा कलर द्रम बड़ बेहतरीन, तो सू त्रो अत सी ऊल। बे गो अटेप अत मस्ती तुम हाँ अत फाइनली त्रम मरवांगन नील मरवांग चॉप कर, तो हमने ग्रीन कुछ जो है चिल्लीज हमने काट के इसके ऊपर डाली थी हमने, और पुदीना और ग्रीन पुदीना और ग्रीन कोरिएंडर हमने इसके ऊपर डाला है, वो हमें आपको वो शॉट हमने मिस किया, वो आपको हम लास्ट में आप दिखाएंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। इसको रखना है ढक्कन बंद, ये वाला जो ये पर नाश्ता भी करो बंद, इसको कोई चांस रखेंगे बाहर निकलेंगे, और उसको हम रखेंगे पहले फुल फ्लेम पे 2-4 मिनट, फिर हम फ्लेम को रखेंगे डाउन स्लो रखेंगे, और उसको पकाना है करीबन 25 मिनट पकाना है इसको, तब जाके हमारी बिरयानी तैयार होगी। माशाल्लाह खिली खिली बिरयानी है ज़बरदस्त, अलग अलग एक एक दाना अलग है, कुछ कहीं चुप कहीं फुल चुन चुपचाम का, तो अलग अलग चीज़ दम बिरयानी बट बेहतरीन बिरयानी बनाम उससे एक ज़बरदस्त एक फ्रेगरेंस आ रही, ज़बरदस्त स्मेल भी आ रही है, एक खूबसूरत मुश्क चाक आई थी मसालों हूँ एक कम्बिनेशन एक ज़बरदस्त फ्रेगरेंस एरोमा अमुक, तो बासमती बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो हमने इसमें काम किया, उसको सर्विंग टाइम है, हमने निकाला इसको बाहर, चिकन भी सॉफ्ट है गला हुआ है अच्छे से, तो बिल्कुल ज़बरदस्त बनाई है ये दम बिरयानी बन गई है, चिकन दम बिरयानी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, और हमें बताना है कि आपने ये बिरयानी कैसे बनाई हुआ, आपको ये रेसिपी हमारी कैसे लगती है। तो मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमारे पेज को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर हमारे फेसबुक पेज पर तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी में एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और मीनवाइल आपने ये फाइनली इसको ये ऐसा इसका टेक्सचर आया ज़बरदस्त बिरयानी हमने टेस्ट किया इसको, एकदम बढ़िया टेस्ट भी इसका, और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है, अरोमा भी अच्छा है, और आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।